हेलो फ्रेंड्स, विशाल्स कुकिंग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ तिल और गुड़ से बनने वाली बहुत ही टेस्टी चिक्की की रेसिपी। तो आइए रेसिपी शुरू करते हैं। तो तिल और गुड़ की चिक्की बनाने के लिए सबसे पहले गैस पर मैंने रख दिया एक पैन को, उसमें डालूँगा मैं 1.5 कप तिल। तो गैस की फ्लेम को एकदम हाई कर देना है और इसको हमें लगातार चलाते हुए लगभग 1 मिनट के लिए इसे ड्राई रोस्ट कर लेना है। तो इसे हमें लगातार चलाते रहना है, नहीं तो ये जल जाएंगे। तिल हमारे अच्छे से ड्राई रोस्ट हो चुके हैं, तब इसको हम निकाल लेंगे किसी प्लेट में। तिल को मैं प्लेट में निकाल लूँगा और इन तिल को मैं ठंडा होने के लिए छोड़ दूँगा लगभग 10 से 15 मिनट के लिए। तो तिल हमारे ठंडे हो चुके हैं, अब इसको मैं डालूँगा एक मिक्सिंग जार में और इस तिल को मैं एकदम दरदरा पीस लूँगा, यानी कि आधा तिल रहने दूँगा और आधा तिल पीस लूँगा। तो आप देख सकते हैं इसको मैंने हल्का दरदरा तिल को पीस लिया है, इसमें कुछ तिल पिसे हैं और कुछ तिल नहीं पिसे, आप देख सकते हैं। तो चलिए चिक्की बनाना शुरू करते हैं। तो चिक्की बनाने के लिए उसी पैन को मैंने वापस रख दिया गैस पर, इसमें डाला मैंने 1 टेबल स्पून देसी घी। घी को हमें अच्छी तरह मेल्ट कर लेना है और गैस के फ्लेम को हमें कर देना है मीडियम। घी मेल्ट हो चुका है, इसमें डालूंगा मैं 1.5 कप जैगरी यानी गुड़। तो यहाँ पर मैंने लाल वाला गुड़ लिया है, आप कोई सा भी गुड़ ले सकते हैं। तो इस गुड़ को हमें अच्छी तरह मेल्ट कर लेना है और इसको हमें लगातार चलाते रहना है। तो आप देख सकते हैं गुड़ हमारा धीरे धीरे मेल्ट हो रहा है। आप देख सकते हैं हमारा गुड़ जो है अच्छी तरह मेल्ट हो चुका है। इसको हमें इसी तरह लगातार चलाते हुए कुक करते जाना है और गैस के फ्लेम को हमें लो कर देना है। चिक्की को बनाने के लिए यहाँ पे मैंने लिया है पेपर, ये बेकिंग पेपर है। तो आप चाहें तो बटर पेपर का भी यूज़ कर सकते हैं या फिर पॉलीथीन का यूज़ कर सकते हैं। इस पर डाल रहा हूँ मैं थोड़ा सा रिफाइंड ऑयल, आप चाहें तो यहाँ देसी घी यूज़ कर सकते हैं। तो इसको मैं इससे ग्रीस कर दूँगा ताकि हमारी जो चिक्की है वो चिपके ना, क्योंकि हमें इसके ऊपर चिक्की बनाकर तैयार करनी है। इसी तरह मैंने 2 पेपर्स लगाकर तैयार कर लिए हैं, तो इसको भी मैं ग्रीस कर दूंगा ऑयल से। तो पेपर्स को मैंने रेडी कर लिया है और जो हम गुड़ बनाएंगे उनको भी हमें चलाते रहना है, नहीं तो ये जल जाएगा। तो गैस की फ्लेम को मैंने कर दिया है बंद। तो यहाँ पे हम गुड़ को एक बार चेक कर लेते हैं कि हमारा गुड़ एकदम परफेक्ट है नहीं। तो इसमें हमने डाला है कटोरी में ठंडा पानी और इसको हमने एक बार तोड़ के देख लेंगे गुड़ को। तो गुड़ हमारा एकदम परफेक्ट एकदम टूट रहा है, क्रिस्पी है। तो अब इसमें हम डाल देंगे तिल का ड्राई मिक्सचर जो हमने पीस कर तैयार किया था। तिल डालने के बाद इसको हम अच्छी तरह मिक्स कर देंगे। तिल को हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है, अब इसको मैं डाल दूंगा एक प्लेट में ताकि हमारे जो बची हुई तिल हैं वो भी अच्छे से सारे मिक्स हो जाएं एक दूसरे में। तो तिल को मैं इसी तरह हाथों से गूंथ लूँगा। तो ये तिल गर्म है तो आप इसे सावधानी से करें, तो इसे हमें गर्म गर्म में इसे हल्का सा गूंथना होगा ताकि ये अच्छे से मिक्स हो जाए। आप इसे चाहें तो चम्मच से भी कर सकते हैं, पर आपको ये जल्दी जल्दी करना होगा। हमारा जो गुड़ का मिक्सर है वो ठंडा नहीं होना चाहिए, नहीं तो ये जम जाएगा। तो इसको मैंने अच्छे से गूंथ लिया यानी अच्छे से मिक्स कर लिया, अब इसको मैं रख दूँगा पेपर पर और इसके ऊपर रख दूँगा दूसरा पेपर। तो बेलन की सहायता से को हम अच्छे से बेल लेंगे, आप जिस भी साइज में इसे चाहें उसी साइज़ में बेल सकते हैं, थोड़ा मोटा या फिर थोड़ा पतला। तो इसको पेपर के साथ जितना हो सका मैंने इसे बेल लिया है, अब इसको मैं डायरेक्ट इस पर बेलूँगा। तो इसको मैंने अच्छे से बेल लिया है जितना हो सका। आप चाकू की सहायता से मैं इसको पीसेस में कट कर लूँगा। ये प्रोसेस हमें इसी टाइम करना है, बाद में पीसेस में नहीं कट हो पाएंगे क्योंकि ये ठंडा हो जाएगा और फिर ये जम जाएगा। इसको मैंने पीसेस में कट कर लिया, इसको मैं इसी तरह छोड़ दूँगा लगभग आधा घंटा के लिए। तो लगभग आधा घंटा हो चुका है, हमारी चिक्की वो एकदम रेडी हो चुकी है बनकर। तो ये ठंडी हो चुकी है और एकदम परफेक्ट मार्केट स्टाइल चिक्की बनकर तैयार हो गई है। हम इसको प्लेट में ट्रांसफ़र कर देंगे। तो अब मैं आपको चिक्की को तोड़कर दिखाता हूँ। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।
तो फिर मिलते हैं किसी नई रेसिपी के साथ।